Hello student, I am Shivam sir. Welcome back to you another important video. In this video, I am telling you latest ISC syllabus class 12 2020 to 2021 exam. Dear student, physical chemistry में chapter 1 से 5 तक हैं जो आपकी 25 marks की आएगी. Inorganic chemistry में chapter 6 to 9 हैं 20 marks की आएगी. Organic chemistry में chapter 10 to 16 है 25 मार्क्स की आएगी. टोटल 70 मार्क्स का पेपर आपका आएगा. आफ्टर दिस सॉलिड स्टेट, यहाँ पर मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस से रिमूव हो गए हैं. इनको मैंने डार्क पेंसिल से शो किया है. सॉलिड स्टेट में बच्चों आपका वाइट्स टाइप लोकेशन फॉर्मेशन डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ वाइट्स बैंड थ्योरी एजो इलेक्ट्रिसिटी एंड पायरो इलेक्ट्रिसिटी फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक आपका रिमूव हो गया है सॉलिड स्टेट चैप्टर से. तो सॉलिड स्टेट चैप्टर से वाइट्स टाइप लोकेशन फॉर्मेशन डेरिवेटिव्स ऑफ रेडियस ऑफ वाइट्स बैंड थ्योरी एजो इलेक्ट्रिसिटी एंड पायरो इलेक्ट्रिसिटी फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिमूव हो गए हैं. फिर नेक्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन. सोल्यूशन चैप्टर से सॉलिड सोल्यूशन रिलेटिव राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पार्ट पर मिलियन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विथ एग्जाम्पल आपका सॉल्यूशन चैप्टर से रिमूव हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बच्चों ड्राई सेल लेड एक्यूमुलेटर फ्यूल सेल कोरोजन और यूनिट्स एंड ग्राफ बैटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स लेक्लॉन्सी सेल मर्करी सेल लेड स्टोरेज बैटरी फ्यूल सेल स्ट्रक्चर कोरोजन कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन फैक्टर अफेक्टिंग इट एंड इट्स प्रिवेंशन वर रिमूव्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो टॉपिक्स रिमूव्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर ड्राई सेल एंड लेड एक्यूमुलेटर ऑफ फ्यूल सेल कोरोजन यूनिट्स एंड ग्राफ एंड लास्ट टॉपिक बैटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल लेक्लॉन्सी सेल मर्करी सेल लेड स्टोरेज बैटरी एंड फ्यूल सेल स्ट्रक्चर रिएक्शन एंड यूजेज कोरोजन कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन फैक्टर अफेक्टिंग इट एंड इट्स प्रिवेंशन वर रिमूव्ड. आफ्टर दिस नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. इन केमिकल काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस से रिमूव हो गई है. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिमूव हो गई है. नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम कैटालिसिस फ्रेंडलिक एब्जॉर्शन आइसोथर्म एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्शन एंजाइम कैटालिसिस बेसिक आइडिया एंड लॉ एंड की मैकेनिज्म सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से रिमूव हो गया है. आप लोग सिर्फ पेंसिल वाले पोर्शन को देखिए वही रिमूव हुआ है. चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी गिब्स एनर्जी लिंघम डायग्राम सिग्निफिकेंस ओनली यूजेज ऑफ मेटल एंड देयर एलॉय आर रिमूव्ड फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट. इन पी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया एलोट्रॉपिक फॉर्म हेलाइड एंड ऑक्जो एसिड्स पी ब्लॉक एलिमेंट से रिमूव हो गया है. बेरियम एजाइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2ONO N2O3 N2O4 N2O5 प्रिपरेशन स्ट्रक्चर एंड यूजेज
अमोनिया प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यूजेज। नंबर सिक्स, एलोटॉप्स ऑफ फास्फोरस एंड देयर स्ट्रक्चर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, प्रिपरेशन फ्रॉम फास्फोरस, यूजेज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, प्रिपरेशन फ्रॉम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, थर्मल डिसोसिएशन एंड हाइड्रोलिसिस, यूजेज प्रॉपर्टीज, ऑक्जो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन ओनली, रिमूव्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 16, आफ्टर दिस फ्रॉम ग्रुप 15, आफ्टर दिस ग्रुप 16, इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म, ऑक्जो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड विद मेटल, नॉन मेटल एंड देयर कॉमन नेचर, सल्फर एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, एक्शन ऑफ हीट, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ SO2, ऑक्जो एसिड्स ऑफ सल्फर, स्ट्रक्चर ओनली, रिमूव्ड इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्जो एसिड्स ऑफ हेलोजन, स्ट्रक्चर ओनली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैब प्रिपरेशन, इट्स एसिडिक नेचर, रिएक्शन विद अमोनिया, कार्बोनेट एंड सल्फाइट, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया एंड इट्स यूजेज, ऑक्जो एसिड्स ऑफ हेलोजन, स्ट्रक्चर एंड एसिडिक प्रॉपर्टी। ग्रुप 17 एलिमेंट से रिमूव हो गया है। ग्रुप 18 एलिमेंट से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। आफ्टर दिस DNF ब्लॉक एलिमेंट, इंटरस्टीशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, रिमूव्ड फ्रॉम DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्पिटलिंग इन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेशियम एज मेंशन अबव, रिमूव्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट, चैप्टर 10, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन में यूजेज, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियोन एंड DDT, चैप्टर 10 से रिमूव हो गया है। हेलो एल्केन हेलो एरीन से बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियोन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, सिर्फ मैकेनिज्म, ओनली मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT, ये भी आपका रिमूव हो गया है। एल्कोहल फिनॉल ईथर से मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ मेथेनॉल बाय बोच प्रोसेस एंड एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड ओनली, आउटलाइन ऑफ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर डिटेल नॉट रिक्वायर्ड, एस्टरीफिकेशन की मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म, ये आपका टॉपिक एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से रिमूव हो गया है। आफ्टर दिस एल्कोहल फिनॉल ईथर से आपका एरिल ईथर पूरा रिमूव कर दिया गया। एरिल ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड सोलिबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ एनी सॉल्ट, विलियमसन सिंथेसिस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, यूजेज ऑफ ईथर, वर रिमूव्ड इन एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से सिर्फ आपकी बेस कैटालिस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म रिमूव हुई है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से बच्चों सिर्फ आपकी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म ही रिमूव हुई है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमाइन। इसमें बच्चों सिर्फ साइनाइड, आइसोसाइनाइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन,
साइनाइड्स फ्रॉम एल्किल हेलाइड फ्रॉम एमाइड फ्रॉम आइसोसाइनाइड फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस और बेल्ज सीमेन रिएक्शन रिमूव हो गई है। बायोमोलिक्यूल से बहुत सारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, बायोमोलिक्यूल से लैक्टोज माल्टोज ग्लाइकोजन स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज ओपन एंड साइक्लिक एस्टिक एनहाइड्राइड फेनिल हाइड्रेजीन माल्टोज लैक्टोज प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्वालिटेटिव आइडिया ओनली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्वालिटेटिव आइडिया ओनली रिमूव फ्रॉम प्रोटीन पार्ट इन बायोमोलिक्यूल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिमूव्ड इन बायोमोलिक्यूल्स पोर्सन चैप्टर 14। डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ चैप्टर से सिर्फ सोप एंड डिटर्जेंट क्लासिफिकेशन देयर क्लींसिंग एक्शन सोप एंड डिटर्जेंट क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट इंटू एनायनिक बायोडिग्रेडेबल कैटायनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन आयनिक केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ चैप्टर से रिमूव हुआ है। डियर स्टूडेंट आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स इन लेटेस्ट ISC सिलेबस क्लास 12 2020-21। सो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो भी टॉपिक्स रिमूव हुए हैं अपनी बुक में उनको पेंसिल या पेन से मार्क कर लीजिए 2021 एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट द रियल सिलेबस ऑफ लेटेस्ट ISC सिलेबस क्लास 12 रिमूव्ड फ्रॉम देयर सिलेबस फ्रॉम 2021 एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स।